आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। बुलंदशहर अपने जन्मदिन पर गली में खेल रही मासूम बच्ची पर पालतू कुत्ते ने किया घातक हमला। कुत्ते के हमले से बच्ची गंभीर रूप से हुई घायल। होंठ पर आए कई टाके, दो दांत भी टूटे। कुत्ते के मालिक से शिकायत करने गए पीड़ित परिवार से गाली गलौज और मारपीट का भी दबंग पर आरोप। घायल कुत्ते को लेकर थाने पहुंचे परिजन पुलिस को दी शिकायत। पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा, गंभीर अवस्था में हायर सेंटर दिल्ली रेफर। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नयागंज का मामला। पेश है बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। नाम है आपका? संजना। संजना जी, क्या है, आप थाने आई है? आज इसका जन्मदिन था, ये चीज लेने गई और कुत्ते ने इसे बुरी तरीका से हालत कर दी है। कौन का कुत्ता था? क्या शिवम का? हाँ, पालतू कुत्ता था शिवम का। अच्छा। और ये इसके ऊपर कूद गया, इसके सारे जख्म कर दिए, खा गया बुरी तरीका, दो दांत तोड़ दिए। और कहने गई तो सारे जने घर के चुपटने आए और मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे, मैं अकेली गई तो उसकी वजह से चुपटने के लिए आए और सुना रहे उल्टा सुलटा। उसके 8-7 आए टाँके। पुलिस को तहरी दे रही है आपने? हाँ, दे रहे हैं, अभी करा रहे हैं पुलिस में। दो दांत टूट चुके हैं। डॉक्टर साहब, एक बच्ची आई है, किस तरह की हालत है उसके? हाँ जी, पेशेंट जैसे हिस्ट्री दे रहा है, इसे कुत्ते ने काटा है, तो हमने जैसे भी इसका मेडिकल किया है उसमें हमने देखा है कि इसके ऊपर वाले लिप्स में LW है और नीचे वाले हिस्से पे भी LW है। तो हमने इसे प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद, मेडिकल करने के बाद, और इसको हायर सेंटर के लिए ARV और ARS के लिए रेफर कर दिया गया है। तो बच्ची के कई टाँके दिखाई दे रहे हैं? टाँके हैं, वो देखे हैं उसके, तो हमने देखा है, वो टाँके हमने ही लगाए हैं। उसके देखा है तो ऊपर वाला लिप्स में LW है, फटी हुई चोट थी, तो उसमें हमने टाँके लगा के और उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है।